बहुत इमोशनल हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मेरा जोश भी बहुत बढ़ गया है जो सारे ये फीडबैक देख के। मेरी लाइफ मेरे सामने से गुजरी है और आज लोगों के बीच में मेरी लाइफ गुजरी और आज मैं प्रेजेंट हूँ और मैं सुन रहा था लोगों का फीडबैक और लोगों का जो इमोशंस था, वो जो दिल से वो लोग बोल रहे हैं वो बहुत मोटिवेट मुझे कर रहा था और बहुत मुझे समझो कि मेरी ब्लेसिंग थी मेरे लिए आज की। जैसे कि आप लोगों से जुड़े हुए भी हैं, बिजनेस मैन होने के नाते आप किस तरह से लोगों से जुड़े रहते हैं आप, और लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं अपने बिजनेस को देखते रहते हैं, बट आप जो लोगों से जुड़े हुए उसके बारे में? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे में पेशेंस बहुत है। मैं बहुत सब्र करने वाला आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे जुड़ने जाते हैं, सबको मिलते हैं, सबके साथ आप कांटेक्ट करते हो या सबके साथ आप ट्राई करते हो कि मिलके कुछ काम करें, उसमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है, बट मैं हमेशा लॉन्ग टर्म का देखता हूँ और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि 2 साल पहले मेरी बायोग्राफी बुक बनी थी जो गुजरात के अंदर गुजराती में बनी थी, आज वो बायोग्राफी बुक 2 साल से गुजरात के बहुत सारी स्कूल्स के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज में पहुंच गई है और बहुत लोगों को मोटिवेट करती है, खास करके जो यूथ है उसको वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं बुक्स पढ़ के और अपनी लाइफ में वो बहुत चेंजेस लाते हैं। तो वही उनको ही ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि नहीं, अभी पूरा इंडिया को कवर करना है तो ये खाली बुक से नहीं होगा, उससे आगे का स्टेप हमें लेना पड़ेगा। वही स्टेप हमने ये हिंदी में मूवी बनाने का लिया और हम कोशिश करेंगे इसको ट्रांसलेट भी करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में ताकि पान इंडिया हम कवर कर सके। सर आखिरी क्वेश्चन कि आप और क्या करने वाले हैं, इतना कुछ तो आपने कर लिया है। नहीं नहीं, ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप बोल रहे हो कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ये शुरुआत है, क्योंकि 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बोले जावे, तो ये शुरुआत है हमारे फाउंडेशन की और 4 साल में तकरीबन 4-4.5 लोगों के दिलों तक हम पहुँचे हैं। बट हमारा टारगेट ये 4-4.5 लाख तो हमारा ये फाउंडेशन है, पहुँचना है हमें 40-50 करोड़, तब जाके हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने खुदा ने इंसान बना के हमें भेजा है तो हमने कुछ काम किया है। बट ऑफकोर्स सबका सपोर्ट लगेगा, सबका साथ लगेगा और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट से, गवर्नमेंट से, आप लोगों मीडिया से और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटी से, सबसे मिलकर हम कोशिश करेंगे कि अपने देश में से गरीबी दूर करें और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है, उनके जो सपने हैं और वो जो हार्डवर्क करते हैं उनके साथ और सबसे मिल के, चाहे ओपोजिशन हो या चाहे कोई भी पॉलिटिशियंस हो, हम सबसे मिल के कोशिश करेंगे कि अपने देश में से गरीबी दूर करें और अपने देशवासियों को अच्छी लाइफ की होप देवे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, झारखंड, बिहार में, दिल्ली में और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया ये 4 साल में 4 लाख से ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँचे हैं, बट हम कोशिश करेंगे और मैंने अपने देश को कमिटमेंट दिया है कि मैं अफ्रीका से हर महीना इंडिया आऊँगा अपने देश की और देशवासियों की सेवा करने के लिए, और ईमानदारी से 4 साल से मैं आ रहा हूँ, आगे भी आऊँगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी 3 बार पर्सनली मुलाकात हुई है और ये 4 साल में हमें 26 अवार्ड्स भी मिले हैं और बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर ने हमारा सम्मान भी किया है। चलो मोटिवेशन है, अवार्ड सम्मान ये तो हमें जोश और जज्बा बढ़ाते हैं, बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और लोगों तक पहुँचने से और लोगों का काम करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बात करें तो आज गुजरात में सूरत में दुर्घटना घटी है, 18 बच्चे वहाँ पे देखो, बस वही है, हम सब मिलके यही कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें न बने और अपने देशवासियों, क्योंकि हर इंसान की लाइफ बहुत कीमती है, भगवान इंसान को बनाने में भगवान को खुदा को बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे नहीं बनता है। जैसे हम कोई भी व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड करते हैं तो 3G 4G या 5G अभी तो चाहिएगा और डिलीट करने के लिए कोई जी नहीं चाहिए और 1 ही सेकंड में डिलीट हो जाता है। तो बस ये मैसेज को हमें याद रखना है कि जैसे हमें वीडियोस डाउनलोड करने में समय लगता है, ऐसे खुदा को भी इंसान बनाने में बहुत समय लगता है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कोशिश करें अपने देशवासियों की सलामती के लिए और सुरक्षा के लिए।
थैंक यू। फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, उनको लाइवलीहुड देंगे, बट फाउंडेशन के थ्रू देंगे। और आप सब मीडिया का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहेगा तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं इंशाल्लाह उन सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू। तो बहुत अच्छी लगी, रिजवान भाई ने काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़े तो उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई तो काफ़ी अच्छी लगी फिल्म हमको। और उनके जो पॉजिटिव थिंग्स जो बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने उनके साथ में जो नेगेटिव किया उनको, उनकी पॉजिटिव थिंग बहुत अच्छी लगी उनके साथ में। मुझे सीखने को ये मिला कि आदमी को तरक्की करनी चाहिए, आदमी अपने सच्चाई से चले तो आदमी तरक्की करता ही है सर। और क्या है इसके अंदर, फिल्म को क्या रिव्यू देंगे आप? फिल्म को मतलब नंबर? हाँ, मैं 5 में से तो पूरे 5 दूंगा सर, मैं पूरे 5 दूंगा। और उनके जो दोस्त है एक साजिद, वो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे, उनके दोस्ती का काफ़ी अच्छा मिसाल उन्होंने दोनों ने दिया, रिजवान के साथ में उन्होंने, साजिद ने वो मेहनत की है, वो बहुत अच्छा लगा हमको। एक महसूस हुआ कि ये यंग जनरेशन को ये सब बताने की बहुत ज़रूरत है, जो ज़िंदगी में मुश्किल से पसार होते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उनको एक शायरी भी सुना दी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा, ऐसे रिजवान साहब से। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर नरम, मैं मास्टर हीलर हूँ, करीब करीब 15 देशों में और 60 सिटीज़ में काम करता हूँ और लोगों को एंशियंट हीलिंग मेथड से मदद करता हूँ और मैं पूरे दुनिया में घूमता हूँ। और उनकी जो अनुभव है रिजवान साहब का, और जिस तरह डिफ़िकल्टी आती है, गवर्नमेंट मदद करती है नहीं करती है, कैसे कैसे संघर्ष में उन्होंने अपने मन को अच्छा रखा, मन को पॉजिटिव बनाया और ज़िंदगी अल्टीमेटली पॉजिटिव बनी, इससे ज़्यादा स्टोरी इंस्पायरिंग हो नहीं सकती। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पॉजिटिव इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर एवरी यंग मैन एंड वूमन एंड एवरीबडी। तो मैं कहूँगा जी, आपके साथ भी कुछ पल काटे होंगे रिजवान। हाँ, मेरा उनके साथ ऐसे देखो तो कम से कम 15 साल का अनुभव है, क्योंकि वो मेरे जी टीवी के प्रोग्राम्स देखते थे, वो मेरे फ़ैन हैं, मैं उनका अभी फ़ैन हो गया हूँ आज से। एंड आई बिलीव कि ये घर घर में पहुँचे संदेश। सो इट वॉज वेरी टचिंग एंड रियलिटी शो ऑफ द रिजवान भाई लाइफ एंड कैरेक्टर। एंड अबाउट रिजवान भाई, I would say that although my experience with him is very little, but in very few days he has touched my heart. And as usual, all my NRI friends have frozen the culture when they went outside India, and they are still an Indian of that time, and we have changed a lot and we have not remained Indian so much. That's what I wanted to say. Thank you, sir. Rizwan bhai is an amazing individual, totally dedicated to humanity. I'm very inspired by him. It was my privilege and honor to meet him just 2 days ago. And I was so impressed and overwhelmed that I decided to come and see the movie today. This movie should be seen by millions of people across the world. And somehow the promoters of the movie have to find a way to release it. I was just thinking that probably the United Nations, they can do it. The Indian government should do it, and maybe it should be launched in Delhi when Narendra Modi sees it. That's my wish. I hope it happens. Thank you. तो definitely वो आपकी बात को respect करेंगे, और जो हमारा सपना है कि हर घर में हर youth के घर पहुँचना चाहिए, तो आप पहुँच जाएंगे, तो आपका आशीर्वाद वो सुनेगा। Thank you. Thank you so much. My review about this film, Rizwan. It was really, really, really heartwarming, and it's inspiration for all the youngsters. We all can have a look at this movie and we can still build up on our future. Thank you so much. Very inspiring, and I would really suggest all of you to go and have a look at this movie. Thank you. मैंने फर्स्ट टाइम देखी, जिसमें मेरा भी रोल है, लेकिन फिल्म में ये 2 घंटे में कभी 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि आप थक गए या कंटाला आ रहा है। बहुत अच्छा किया हरीश व्यास ने, बहुत अच्छा मूवी बनाया। बस इतना ही है कि ये मूवी सब लोग देखे तो इंस्पायर होए, रिजवान भाई को देख के इंस्पायर होए आदमी और उसके जैसा बनने की ट्राई करें। थैंक यू सो मच। मसाई
पूरा ना सब याद आ गया, बहुत मजा आई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. ट्रूली एन इंस्पायरिंग मूवी एंड आई होप एवरीवन वॉचेस दिस इन देयर बिजनेस क्लासेस, बिकॉज ऑनेस्टली बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग इन in a book is different than actually seeing what happens behind the scene. It was truly an inspiring movie and I'm a business student and I would recommend all business students to watch this movie and learn something. Thank you.